एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फराह हैसे फ्रॉम फराह हैसे टैरोट। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशादाबाद होंगे। डिवाइन से दुआ है कि आपका आने वाला जो हफ्ता है जिसको लेकर मैं हाजिर हूँ वो ग्रेट गुजरे। तो हम टैरोट से मैसेज देखेंगे और एंजल मैसेज भी इसमें एडिड है, और उसके साथ हम लव मैसेजेस भी देखेंगे आपके लव लाइफ के हवाले से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जितने व्यूवर्स होंगे उतना थम दे दीजिएगा, वरना मैं जो नेक्स्ट वीकली होगी उसमें मैं ये जरिए खा जाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख एंड आई लव मुझे कोई जो है कोई थम अप करे। सो देखते हैं टैरोट से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये नहीं, ये वाला, सॉरी। ओके, मुझे आप परेशान नज़र आ रहे हैं, हेल्थ से या कोई कोई ऐसी जो है ना एक्टिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है। आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली, आपको जो है, मुझे लग रहा है कि आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर मुस्लिम्स हैं तो आप मॉस्क जाइए, हिंदू हैं तो जो है आप हनुमान जी के पास जा सकते हैं, और अगर क्रिश्चियन हैं तो प्लीज़ आप जो है ना चर्च जाइए और प्रेयर कीजिए, ताकि आपको है ना इस सर्कल से, क्योंकि अब आपको डिवाइन ही निकाल सकते हैं। हेल्थ का मामला है तो ख़त्म नहीं हो रहा, रिलेशन के मामले हैं तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और वर्क के मामले भी घूमे 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 ही जा रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। इमोशंस भी आपके जो है ना ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि वो भी कंट्रोल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपको फॉरवर्ड होने में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी चीज़ के एडिक्शन से बाहर निकलने में इशू हो रहा है, और हेल्थ लाइफ तो आपकी ख़राब दिख ही रही है, बेटर होती हुई लेकिन नहीं थी। और आपका यूनियन की एनर्जी, आपका एंजल मैसेज क्या है, सी एंजॉय जोन ऑफ लाइफ। ओके, ओके, गुडनेस एंड मर्सी, बिल्कुल गुडनेस एंड मर्सी आपके रास्ते में है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया है, यू कैन गो टू द चर्च, मॉस्क और टेम्पल्स, ओके, दैट इट कैन होल ओनली हेल्प यू इन दैट, और कोई नहीं करेगा। इधर अगर वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम आपको नज़रबंदी कर देंगे, ठीक है। If you have been waving, ठीक है, about proceeding with something, is dearest to you, then this is your confirmation. Just do it. अगर आपका mind किसी चीज़ को कह के हो रहा है कि you have to do that, you need to do that, और आप किसी चीज़ को mind, दिल हर चीज़ बोल रहा है और सिक्स्थ सेंस ही बोल रहा है, so go for it. ठीक है, किसी चीज़ का वेट नहीं करने का आपको। और अगर आप बार बार जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, डोंट डू दैट। आपको जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, जस्ट डू, उठाओ और ईश्वर का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, डिवाइन का नाम लो, एंड गो फॉर इट। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। ओके, ओ माई गॉड, ये लहजा गिरे हैं। ओके, ट्रस्ट, देखें आपकी खुद आपके सामने कार्ड निकला है, खुद गिरा है, और आपको जगल की एनर्जी भी बताई थी कि आपकी, आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या सिचुएशन को लेके। यू नीड टू हैव टू ट्रस्ट इन अ रिलेशन और इन ऑर्डरिंग फॉर द फ्लरिश थिंग्स। ओके, आपको अपनी जो है ना चीज़ों को, जो बाहर से आपको बहुत सजी सजी चीज़ें दिखती हैं, आप उसकी तरफ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई रिलेशनशिप में हर्ट आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं। आने वाली चीज़ों से ज़्यादा पुराने वाली चीज़ों को प्लीज़ जो है ना देखें कि वो आपके साथ कैसे थे, क्या कर रहे थे। पुरानी यादों को दोबारा रीव करें और उसी में कुछ बेनिफिट ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि जो है ना चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। चेंजेस लाना चीज़ों में अच्छा होता है, बंदों में नहीं। हर वक्त इंसान नहीं बदले जाते, याद रखिएगा। और कोई स्पेसिफिक पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वील प्रोवाइड यू वजीफा, इस बैलेंस, सो मैनी थिंग्स, बट इट्स ओनली पेड। थैंक यू।